बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शुक्र अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, आज फर्स्ट ईयर का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले लेक्चर में और उससे पहले वाले लेक्चर में हमने बुक फर्स्ट का लेसन नंबर 1 बटन बटन स्टार्ट किया था और उसके टेक्स्ट देखा था, उसकी ट्रांसलेशन देखी थी। और पहले पहले लेक्चर में हम देख चुके हैं कि बुक फर्स्ट में से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं और आपने इसको जो है कैसे हल करना होता है और इनमें से कौन कौन से क्वेश्चन आपने निकालने होते हैं। आज लेक्चर नंबर 3 है। आज अपने लेसन को थोड़ा आगे लेकर चलते हैं। बुक फर्स्ट है, लेसन नंबर 1 है बटन बटन। मिस्टर स्टीवर्ड नोडेड। मिस्टर स्टीवर्ड ने मस्बत में या हां में सर हिलाकर इशारा किया। नोडेड सर हिलाना या सर हिलाकर इशारा करना। मनीटरी मालियाती तौर पर, मनीटरी मालियाती तौर पर या पैसे के हवाले से, जिसे हम फिनेंशियली भी कहते हैं, मनी है। ही सेड, उसने कहा, मिस्टर स्टीवर ने सर हिलाकर हां में जवाब दिया कि जी हां, ये बटन यूनिट का मामला आपके लिए पैसे के हवाले से काफी कीमती साबित हो सकता है। नार्मा फ्राम, नार्मा ने तेवरी चढ़ा ली। फ्राम, डियर स्टूडेंट, फ्राम कहते हैं तेवड़ी चढ़ा लेना या माथे पर गुस्से की शिकन ले आना या मुंह बना लेना भी कहते हैं, जब इंसान मुंह से कुछ नहीं कहना चाहता लेकिन अपने फेस एक्सप्रेशन से सामने वाले को बताना चाह रहा होता है कि मैं आपसे गुस्सा हूं और माथे पर शिकन आ जाती है, उसे कहते हैं स्टूडेंट फ्राम, तेवड़ी चढ़ा लेना। नार्मा ने तेवड़ी चढ़ा ली या मुंह बना लिया। She did not like his attitude. उसे उसका रवैया या उसका अंदाज पसंद ना आया। What are you trying to say? She asked. उसने पूछा, तुम क्या भेजने की कोशिश कर रहे हो? I am not selling anything. He answered. उसने जवाब दिया, मैं कुछ भी नहीं बेच रहा हूं। Arthur came out of the living room. Living room, दीवान खाना। Arthur दीवान खाने से बाहर आया। Something wrong? और आकर पूछा, क्या कोई मसला है या क्या कोई गड़बड़ है? Mr. Stewart introduced himself. Introduced, मुतारफ कराना या तारुफ कराना। मिस्टर स्टीवर ने अपना तारुफ कराया। ओ, द आर्थर पॉइंटेड टुवर्ड द लिविंग रूम एंड स्माइल्ड। आर्थर ने दीवान खाने की तरफ इशारा किया और मुस्कुरा दिया। व्हाट इज दैट गैजेट एनीवे? गैजेट इंतहाई अहम लफ्ज है इस लेसन में और ये आमतौर पर सिनोनिम के क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव पेपर के अंदर आपसे पूछ भी लिया जाता है कि गैजेट क्या है और इसका अल्टरनेट लफ्ज या इसका सिनोनिम आप क्या कहेंगे। तो सुन लें, गैजेट पुर्जा या आला या कोई मशीन जो होती है तो किसी काम आती है उसे हम गैजेट का नाम देते हैं। व्हाट इज दैट गैजेट एनीवे? आपके लिए मशीन क्या है? जो मिस्टर स्टीवर्ड नार्मा और आर्थर के घर ले आया था और जब आर्थर ने पहली दफा उस गैजेट को या उस आले को देखा तो उससे पूछा मिस्टर स्टीवर्ड से कि आखिर ये आला है क्या? इट वुड नॉट टेक लॉन्ग टू एक्सप्लेन, रिप्लाइड मिस्टर स्टीवर्ड। मिस्टर स्टीवर्ड ने जवाब दिया,
क्या मैं अंदर आ सकता हूं? इफ यू आर सेलिंग समथिंग, आर्थर सेड, आर्थर ने कहा, अगर तुम कुछ बेच रहे हो, अगर तुम कुछ बेच रहे हो, मिस्टर स्टीवर्ड शुक हिज हेड, आई एम नॉट, मिस्टर स्टीवर्ड ने सर हिलाकर नफी में जवाब दिया, नहीं मैं कुछ भी नहीं बेच रहा। आर्थर लुक्ड एट नॉर्मा, आर्थर ने नॉर्मा की तरफ देखा, या यहां पर यूं भी कह सकते हैं कि आर्थर ने सवालिया नजरों से नॉर्मा की तरफ देखा। अब तो यू शी सेड, नॉर्मा ने कहा, आपकी मर्जी है कि आप इसे अंदर आने दें या नहीं। ही हेजिटेटेड, वो हिचकिचाया। वेल व्हाई नॉट, ही सेड, उसने कहा अच्छा क्यों नहीं। दे वेंट इन टू द लिविंग रूम, वो दीवान खाने में चले गए, एंड मिस्टर स्टीवर्ड सैट इन नॉर्मा चेयर, और मिस्टर स्टीवर्ड नॉर्मा की कुर्सी पर विराजमान हो गया या बैठ गया। ही रीच, उसने हाथ डाला, यहां पर रीच से मुराद पहुंचना नहीं करेंगे, बल्कि यहां पर रीच से मुराद हाथ डाला। उसने हाथ डाला इन टू एन इनसाइड कोट पॉकेट, अपने कोट के अंदर वाली जेब में, एंड विदड्रू, ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसकी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विथड्रॉ है। विथड्रॉ का मतलब होता है बाहर निकाल लेना या किसी अंदर रखी हुई चीज को बाहर ले आना। उसने अपना हाथ अपने कोट के अंदर वाली जेब में डाला और बाहर निकाला अस्मार, एक छोटा सा सील बंद किया हुआ इनवेलप लिफाफा। इनवेलप स्टूडेंट्स लिफाफे को कहते हैं। इनसाइड हेयर, इस लिफाफे के अंदर इज ए की, एक चाबी है, टू द बेल यूनिट डोम, इस गुंबद नुमा घंटी की या इस गुंबद नुमा यूनिट की। इस लिफाफे के अंदर इस गुंबद नुमा बेल यूनिट की घंटी है या चाबी है। ही सेड, उसने कहा, उसने कहा इस लिफाफे के अंदर इस गुंबद नुमा बेल यूनिट की चाबी है। ही सेड द एनवेलप, उसने वो लिफाफा रख लिया ऑन द चेयर साइड टेबल, कुर्सी के पहलू में पड़ी हुई मेज पर। उसने वो लिफाफा कुर्सी के पास या कुर्सी के पहलू में पड़ी हुई मेज पर रख दिया। द बेल इज कनेक्टेड, कनेक्टेड रब्ता होना, जुड़े हुए होना या मुंसलिक होना भी इसको कह सकते हैं। द बेल इज कनेक्टेड टू आवर ऑफिस, ये घंटी हमारे दफ्तर से जुड़ी हुई है, ये घंटी इसका रब्ता हमारे दफ्तर से है। व्हाट इज इट फॉर, अब इस लेसन को थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं एक मर्तबा। अभी हमने मीनिंग के हवाले से देखा है, अब इसको जो है गो थ्रू करते हैं दूसरी मर्तबा, अब गौर से देखें और जहां पर कोई पॉइंट आपका मिस हुआ है आप उसे दोबारा से क्लियर कर लें और अपनी बुक्स पे फोकस करें। मिस्टर स्टीवर्ट नोटेड मॉनिटरी, ही सेड, मिस्टर स्टीवर्ट ने सर हिलाकर हां में जवाब दिया कि जी हां, ये मामला पैसे के What are you trying to sell? She asked.
या क्या कोई गड़बड़ है? मिस्टर स्टीवर्ट इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ, मिस्टर स्टीवर्ट ने अपना तारुफ कराया। ओहो, आर्थर पॉइंटेड टुवर्ड द लिविंग रूम एंड स्माइल्ड। आर्थर ने दीवान खाने की तरफ इशारा किया और मुस्कुरा दिया। व्हाट इज दैट गैजेट एनीवे, आखिरकार ये पुर्जा या आखिरकार ये मशीन या आखिरकार ये आला क्या है? ओहो दी, आर्थर पॉइंटेड टुवर्ड द लिविंग रूम। इट वुड नॉट टेक लॉन्ग टू एक्सप्लेन, रिप्लाइड मिस्टर स्टीवर्ट। मिस्टर स्टीवर्ट ने जवाब दिया, मुझे इस आले की वजाहत करने के लिए ज्यादा वक्त दरकार नहीं होगा। मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? इफ यू आर सेलिंग समथिंग, आर्थर सेड, आर्थर ने कहा, अगर तुम कुछ बेच रहे हो। मिस्टर स्टीवर्ट शुक हिज हेड, आई एम नॉट। मिस्टर स्टीवर्ट ने नफी में सर हिलाकर इशारा किया कि मैं कुछ भी नहीं बेच रहा हूं। आर्थर लुक्ड एट नॉर्मा, अप टू यू शी सेड। आर्थर ने सवालिया नजरों से नॉर्मा की तरफ देखा तो उसने कहा, आपकी मर्जी है, इसे अंदर आने दें या नहीं। ही हेजिटेटेड, वेल व्हाई नॉट ही सेड, वो हिचकिचाया, अच्छा क्यों नहीं उसने कहा। दे वेंट इन टू द लिविंग रूम एंड मिस्टर स्टीवर्ट सैट इन नॉर्मास चेयर। वो दीवान खाने में चले गए और मिस्टर स्टीवर्ट नॉर्मा की कुर्सी पर बैठ गया। ही रीच्ड इन टू एन इनसाइड कोट पॉकेट, उसने अपना हाथ अपने कोट के अंदर वाली जेब में डाला। एंड विद ड्रू अ स्मॉल सील्ड एनवेलप, और अंदर से एक छोटा बंद किया हुआ लिफाफा बाहर निकाल लिया। इनसाइड हेयर इज अ की टू द बेल यूनिट रूम, ही सेड। इसके अंदर घंटी बजाने वाले इस गुंबद नुमा यूनिट की कुंजी है या चाबी है, उसने कहा। ही सेट द एनवेलप ऑन द चेयर साइड टेबल, उसने वो लिफाफा कुर्सी के पास पड़ी हुई मेज पर रख दिया। द बेल इज कनेक्टेड टू अवर ऑफिस, और इस घंटी का रब्ता हमारे दफ्तर से है, या ये घंटी हमारे दफ्तर से जुड़ी हुई है, या ये घंटी हमारे दफ्तर से मुंसलिक है। व्हाट इज इट फॉर, आस्क्ड आर्थर। आर्थर ने पूछा, ये घंटी किस लिए है, या आर्थर ने पूछा, इस घंटी का क्या काम है, ये सब मकसद क्या है। ये था हमारा लेसन आज का स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।